सभी का स्वागत है मेरे चैनल डू टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स चैप्टर स्वयं करिए 12.2 पेज नंबर 153 का करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की सहायता से वर्ग निर्णय करने के लिए ए और बी की जगह क्या क्या लिख कर वर्ग निर्णय करेंगे। तो देखिए वन नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस फाइव है। तो मैं जैसे आपका बनाई हूँ 12.1 में, ए और बी की जगह क्या क्या लिखेंगे उसी तरह कीजिएगा। ए की जगह पे लिखेंगे एक्स और बी की जगह क्या लिखेंगे फाइव, ये लिख लिए। अब इसका वर्ग करना है तो कीजिए वर्ग। तो ये हो गया ए आपका और ये हो गया बी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बुक में भी दिया हुआ है आप लोगों का, तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो ये a माइनस बी हो गया का होल स्क्वायर हो गया, तो ये लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए x का स्क्वायर कीजिएगा तो एस स्क्वायर माइनस फाइव टू जै टेन एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव। यही आंसर लिखिएगा, इसी तरह कीजिएगा, इसी तरह करना। टू नंबर सम्स क्या है, एम माइनस एन है। तो ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे एम लिखेंगे और बी की जगह क्या लिखेंगे एन। एम को मान लिए ए और बी को मान लिए एन को मान लिए बी। तो आप कीजिए वर्ग इसका। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ये होगा ना, तो एम स्क्वायर माइनस टू एम एन प्लस एन स्क्वायर। तो ये कीजिए एम का स्क्वायर माइनस टू एम एन का मल्टीप्लाई कीजिए टू एम एन प्लस एन स्क्वायर। यही आंसर लिखिएगा, इसी तरह बनाइएगा। थ्री नंबर सम्स क्या आपका, टेन माइनस एक्स है। तो ए टेन को मान लेंगे ए और एक्स को मान लेंगे बी। तो ये टेन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा टेन का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये लिखिए टेन का स्क्वायर कितना होता है हंड्रेड होता है माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस एस स्क्वायर। यही आंसर, इसी तरह बनाइएगा। देखिए ये है आपका x प्लस वाई। तो x को मान लेंगे a और y को मान लेंगे b। तो x प्लस वाई का वर्ग कीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये ना है a और ये बी माने हैं, तो ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस टू एक्स वाई लिखेंगे और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये लिखिए एस स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही आंसर लिखेंगे। और देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह बनाइएगा, ये फार्मूला यूज़ किए हैं इसमें। फाइव नंबर क्या है, थ्री एक्स माइनस वाई है। तो थ्री को एक्स को मान लेंगे ए और y को मान लेंगे b, b है ठीक है। तो ये b y मान लिए, y को b मान लिए। तो आप कीजिए वर्ग इसका। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ना होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने बताया ही है पहले। तो ये करिए मल्टीप्लाई, थ्री का स्क्वायर का मतलब क्या होता है थ्री का मल्टीप्लाई थ्री बार करिएगा, थ्री थ्री जा नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू जा सिक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही आंसर लिखिएगा, इसी तरह बनाइएगा। नंबर क्या है आपका, फोर एम प्लस टू है। तो ये हम लोग फोर एम को मान लेंगे ए और बी टू को बी मान लेंगे। तो ये कीजिए इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये करिए फोर का स्क्वायर कितना होता है फोर फोर जा सिक्सटीन और m स्क्वायर प्लस फोर टू जा एट एट टू जा सिक्सटीन m। ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सभी से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस टू का स्क्वायर फोर। यही आंसर लिखेंगे हम लोग, इसी तरह बनाइएगा। सेवन नंबर सम्स के आपका फाइव वाई प्लस एक्स है। तो ये आप फाइव वाई को ए मान लीजिए और एक्स को बी मान लीजिए, मान लिए। अब इसका वर्ग कीजिए तो ए प्लस बी का इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी
प्लस बी का स्क्वायर, ये ए है आपका, ये बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस टू ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो ये पाँच का स्क्वायर कितना होता है 25, और वाई स्क्वायर प्लस 5 × 2 = 10 एक्स वाई प्लस एस स्क्वायर, यही आंसर लिखिएगा, इसी तरह करना है। एट नंबर सम्स क्या आपका सी ई और माइनस एफ जी, तो हम लोग सी ई को ए मान लेंगे और बी एफ जी को मान लेंगे, तो इसका वर्ग कीजिए, वर्ग करेंगे तो ए माइनस बी हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में क्या था, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये डॉट है, प्लस बी का स्क्वायर, तो C और E का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा C स्क्वायर E स्क्वायर माइनस टू C E F G, ये सभी होगा, प्लस F स्क्वायर G स्क्वायर, यही आंसर होगा, इसी तरह कीजिएगा। इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, तो दोनों का स्क्वायर F स्क्वायर G स्क्वायर होगा, C स्क्वायर E स्क्वायर होगा, और इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टू सी ई एफ जी, यही आएगा ना, इसी तरह कीजिएगा। सम्स क्या आपका पी एक्स माइनस 1/2 है, तो हम लोग ए को मान लेंगे, पी एक्स को ए मान लेंगे और 1/2 को मान लेंगे बी, तो कीजिए पी एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए और बी मेरा ये है और प्लस बी का स्क्वायर, तो कीजिए पी और एक्स का स्क्वायर कीजिए तो पी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस है, देखिए ये टू नीचे है और ये ऊपर है तो कट जाएगा, तो पी एक्स का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो पी एक्स आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, यही आंसर लिखेंगे हम लोग, इसी तरह बनाइएगा। 10 नंबर सम्स क्या आपका पी प्लस क्यू माइनस आर है, तो ये पी को मान लेंगे ए, हम लोग P को मान लेंगे A और Q माइनस R को मान लेंगे B, ये हो गया, तो लिखिए P और प्लस ये हुआ P प्लस Q माइनस R, ये आपका है, ये A हो गया, A प्लस और ये B पूरा माने थे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका होल स्क्वायर करिएगा तो A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस टू A और B मेरा है और प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये आपका क्या है प्लस में ना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, तो लिखे बी का स्क्वायर प्लस टू पी हुआ, टू पी का मल्टीप्लाई क्यू से कीजिएगा तो टू पी क्यू माइनस टू पी आर, ये आएगा प्लस प्लस दे दिए, अब क्यू माइनस आर है तो इसका हम लोग होल स्क्वायर है, तो ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, अब कीजिए खोलिए पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू माइनस टू पी आर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू आर प्लस आर स्क्वायर, देखिए और किसी के साथ ये होगा, सब अलग अलग है, ये पी क्यू अलग है, एक ही है अकेला, ये पी आर अलग है अकेला ही है, ये क्यू आर अलग अकेला ही है, तो यही आंसर लिखेंगे हम लोग, इसी तरह बनाइएगा। आपका पी माइनस क्यू प्लस आर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, ए को मान लेंगे, पी माइनस क्यू को ए मान लेंगे और बी को आर को बी मान लेंगे, तो इसका वर्ग कीजिए, पी माइनस क्यू ए है मेरा ये और ये प्लस है ना, तो प्लस आर लिखिए और इसका वर्ग कीजिए, कट रहा है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये प्लस बी का इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये देखिए अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर सकते हैं ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, आप क्या कीजिएगा प्लस 2 का r से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2r होगा और फिर प्लस p से कीजिएगा तो 2pr होगा, ठीक है, और फिर माइनस है, माइनस लिखिएगा
फिर टू का आर से मल्टीप्लाई टू आर होगा और क्यू से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा, टू क्यू आर आएगा प्लस आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये इसको खोलिए, अब ये ब्रैकेट में नहीं किए थे ना, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। अब खोलिए ब्रैकेट को, पी स्क्वायर माइनस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी आर माइनस टू क्यू आर प्लस आर स्क्वायर, ये इसी तरह बनाइएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, यही आंसर लिखेंगे हम लोग, इसी तरह बनाइएगा। ये हो गया ए, पी माइनस क्यू को ए मान लिया और आर को बी मान लिया, तो पी माइनस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर करेंगे, ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका भी हम फार्मूला कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ये इसका मल्टीप्लाई किए, टू आर का मल्टीप्लाई पी से किया तो टू पी आर आएगा माइनस टू क्यू आर आएगा प्लस आर स्क्वायर। अब इसको खोलिए तो करेंगे तो वही आएगा, यही आंसर लिखिएगा। इसके आपका 2x बटा 3 माइनस 3y बटा 4, तो a हम लोग मान लेंगे 2x बटा 3 को और b मान लेंगे 3y बटा 4 को, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x बटा 3 माइनस 3y बटा 4 का वर्ग करना है, तो वर्ग करेंगे तो a माइनस बी हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब करिए 2x का स्क्वायर कीजिएगा, दोनों का स्क्वायर करना होगा, ऊपर नीचे दोनों का, तो ये 2x का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 4s स्क्वायर बट्टा 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 माइनस, देखिए ये कटेगा तो काटेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये आपका यहाँ 2 है यहाँ 3 है यहाँ 3 है यहाँ 3 है यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 3 3 कट जाएगा। ये डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब 2 का टेबल में 4 कटता है और ये 2 नीचे है और ये ऊपर है, तो ये भी कट जाएगा। तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आएगा और नीचे तो आपका कुछ बचा नहीं, तो सिर्फ एक्स वाई होगा। प्लस 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 वाई स्क्वायर बट्टा 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, यही आंसर लिखेंगे। 4s स्क्वायर बट्टा 9 फिर माइनस एक्स वाई फिर प्लस 9y स्क्वायर बट्टा 16, यही करेंगे इसी तरह। 13 नंबर सम्स क्या आपका 3mq माइनस 4nq, तो ये हम लोग a किसको मानेंगे, 3mq को मान लीजिए और b मान लीजिए किसको, 4nq को। अब इसका वर्ग कीजिए, 3mq माइनस 4nq का वर्ग कीजिएगा तो a माइनस बी हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये कीजिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और ये m का 3 है ना और इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो ये होता है आपका 3 2 6 6 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 4 3 12 12 2 24 mq प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 n और ये 6 हो जाएगा n टू द पावर 6, यही आंसर लिखेंगे हम लोग, इसी तरह कीजिएगा। ये 14 नंबर सम्स क्या आपका 2x प्लस वाई माइनस जेड, तो इसको हम लोग ए 2x प्लस 2x प्लस वाई को मान लेंगे a, क्या मान लेंगे a, और ये b को मान लेंगे जेड, तो ये लिखिए 2x प्लस वाई लिखेंगे a हो गया और ये माइनस है ना माइनस जेड लिखिए, इसका वर्क करेंगे तो कीजिए a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब देखिए ए भी क्या हो जाएगा, इसका भी फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर लिखिएगा प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये लिखें। अब माइनस
टू का मल्टीप्लाई जेड से कीजिएगा तो टू जेड आएगा, टू जेड का मल्टीप्लाई टू एक्स से कीजिएगा तो फोर एक्स जेड आएगा, और ये माइनस है तो ये भी साइन माइनस हो जाएगा। टू का मल्टीप्लाई जेड से कीजिएगा टू जेड, और वाई से कीजिएगा तो माइनस टू वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर, ये हुआ। देखिए टू का मल्टीप्लाई जेड से कीजिएगा तो टू जेड आएगा, और टू एक्स का मल्टीप्लाई कीजिएगा, टू जेड का मल्टीप्लाई टू एक्स से कीजिएगा तो फोर एक्स जेड आएगा। फिर ये माइनस है तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टू जेड का मल्टीप्लाई वाई से कीजिएगा तो टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको खोलिए, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स जेड माइनस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, यही आंसर लिखिएगा। इसी तरह बनाइएगा, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। ये आपका बुक में आंसर इस तरह दिया हुआ है, ए को माना गया है टू एक्स प्लस वाई, नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए को हम लोग टू एक्स मान लेंगे और वाई माइनस जेड को बी मान लेंगे, उस तरह भी बनाइएगा तो यही आंसर आएगा। उसके आपका 999 है तो इसका तो हम लोग वर्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, 1000 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 999 आएगा। अब इसको हम लोग ए मान लेंगे, वह ए को मान लेंगे, 1000 को ए मान लेंगे और बी को 1 मान लेंगे, तो कीजिए वर्ग। इसका वर्ग करेंगे फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हो गया, तो ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये कीजिए 1000 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1000 का टेबल 1000 वर्ग पर ये कितना आएगा, तीन जीरो है इसका डबल हो जाएगा 60 हो जाएगा, माइनस टू का मल्टीप्लाई 1000 से कीजिएगा 2000 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2000 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो 2000 ही आएगा प्लस 1। अब इस 1000000 से 2000 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 998000 आएगा प्लस 1, तो 998000 प्लस 1 कीजिए कितना आएगा, 998000 एक आएगा, यही आंसर लिखेंगे। इसी तरह बनाइएगा, क्योंकि 999 का तो वर्ग नहीं होता, तो 1000 से माइनस 1 करेंगे तो 999 आएगा। अब इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, 1000 को ए मान लेंगे और माइनस 1 को 1 को मान लेंगे बी। अब कीजिएगा 1000 माइनस 1 का वर्ग कीजिएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है यही का, इसी तरह होगा। 16 नंबर सम्स के आपका पी प्लस क्यू माइनस आर माइनस एस, तो ये हम लोग क्या करेंगे, ए को मान लेंगे पी प्लस क्यू और बी को मान लेंगे आपका आर, और ये माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा आर प्लस एस, ये हुआ, क्योंकि ये माइनस है और ये हम लोग जब ब्रैकेट में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब करिए, ये ए है मेरा और माइनस है ना, बीच में माइनस लिखेंगे और बी लिखेंगे, इसका वर्ग कीजिए, क्योंकि ये ब्रैकेट में रख रहे हैं इसीलिए ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये साइन प्लस हो जाएगा। अब ए और बीच में तो माइनस था तो माइनस लिखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। देखिए ए हो गया ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी लिखते हैं ना प्लस बी का स्क्वायर। अब इसका भी देखिए फार्मूला होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ माइनस। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टू पी का पी प्लस क्यू का मल्टीप्लाई आर प्लस एस से कीजिएगा, पी प्लस क्यू का मल्टीप्लाई आर प्लस एस से कीजिए तो कितना आएगा, पी आर प्लस क्यू आर मल्टीप्लाई किए, पी का मल्टीप्लाई आर से पी आर प्लस क्यू का मल्टीप्लाई आर से किए तो क्यू आर प्लस पी एस, अब एस से मल्टीप्लाई कीजिए क्यू एस तो कितना आएगा, पी आर प्लस क्यू आर प्लस पी एस प्लस क्यू एस। अब टू से मल्टीप्लाई सभी का कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, टू पी आर आएगा, तो ये माइनस है ना तो माइनस सभी होगा टू पी आर, फिर ये भी माइनस टू क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, फिर आपका माइनस टू पी एस फिर माइनस टू क्यू एस,
ये होगा, आप कीजिएगा क्या, ये इसका फार्मूला लिखिए। तो मैं लिख रही हूँ, प्लस लिखिएगा, ये आर प्लस एस का मल्टीप्लाई स्क्वायर कीजिएगा। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ आपका ये आर प्लस एस का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस टू आर एस प्लस एस स्क्वायर, यही ना होगा। ये आपका प्लस के बाद ये लिखिएगा, आप सभी को खोलिए, ये तो करिए पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी आर टू पी आर माइनस टू क्यू आर माइनस टू पी एस माइनस टू क्यू एस प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर एस लिखिएगा, टू आर एस प्लस एस स्क्वायर, यही आंसर लिखेंगे। ये आर एस है, आर स्क्वायर ये है ना, ये तो आपका प्लस के बाद ये लिखे थे, यही चीज़ यहाँ लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस टू आर एस प्लस एस स्क्वायर, यही आंसर लिखे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।